गुरु प्रकाश पासवान जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए उन्होंने, कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार होती है उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। नहीं, बहुत नहीं, देर से कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी जुड़े हुए, मैं आ रही हूं अजय जी आपके पास। गुरु प्रकाश पासवान जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए पहले। नहीं नहीं चित्रा जी, चित्रा जी बिल्कुल, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था आरजेडी की प्रवक्ता की बातों को, लेकिन जानबूझ करके मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता था। अब राजनीतिक रंग दे ही दिया गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां जो घटना घटी है उस क्षेत्र का विधायक कौन है? आरजेडी का विधायक है। इस घटना में जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, रामाशीष यादव, किस पार्टी का ऑफिस बेयरर है? आरजेडी का ऑफिस बेयरर है। आरजेडी के नवादा के कार्यालय का ऑफिस बेयरर रामाशीष यादव, वो भी नामित है इसमें। ये कथित तौर पे आरजेडी के संरक्षण में हो रहा था, लेकिन मुद्दा ये नहीं है चित्रा, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि जाति के नाम पे असंवेदनशीलता, जाति के नाम पे हिंसा। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी केरोसिन मैन हो गए हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? राहुल गांधी जी का तुरंत ट्वीट आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तुरंत ट्वीट आ गया, कहां है केरोसिन लाओ, केरोसिन लाओ, आग लगाना है, जाति के नाम पे आग लगाना है। मैं जाना नहीं चाहता हूं चित्रा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। चित्रा आपको हरियाणा याद होगा, चित्रा आपको हरियाणा याद होगा, मिर्चपुर में क्या हुआ था? मिर्चपुर में वाल्मीकि समाज का एक लड़का डीजे पे गाना चला रहा था, हफ्तों हफ्तों तक, महीनों महीनों तक 300 दलित परिवारों को छोड़ करके जाना पड़ा था। तब राहुल गांधी जी आपकी आंख नहीं खुली थी? जब आपकी सरकार थी राजस्थान में, एक दलित छात्र को एक मटके से पानी पीने के लिए संस्थागत हत्या कर दी गई। तो मुद्दा यह नहीं है, जाति से जो समस्या आती है उसको राजनीति से जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार होती है। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी चित्रा, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या इंदिरा गांधी जी की हत्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार होती है? जातिगत समस्या, जातिवाद, हिंसा, यह एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इस हिंसा के नाम पे समाज पे जो लोग भेदभाव करते हैं, आपने बहुत सही कहा, अगर आप नहीं बताती तो अगड़ा पिछड़ा का रंग दे दिया क्या होता? यही मेरी बहन बैठी है आरजेडी की, बूरा बाल साफ करो, क्या था बूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, सबको साफ करो, हिंसा का नारा देते थे, जेनोसाइड का नारा देते थे, जेनोसाइड का नारा देते थे, आप फिर आप बोल रही हैं, आप बीच में बोल रहे हैं चित्रा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अरे आप भी तो गुरु प्रकाश पासवान जी दो ही नाम ले रहे हैं ना, आप भी तो बार बार यादव पर फोकस करके, नहीं 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 सर, देखिए दबंगों की कोई जाति तो नहीं हो सकती, लेकिन आप भी तो बार बार यादव पर फोकस कर रहे हैं ना गुरु प्रकाश पासवान जी, बाकियों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? आपका भी फोकस यादव पर है, आशीष यादव, नंदू पासवान, बेशर्मी है, नंदू पासवान का नाम ले रहा हूँ मैं, रामाशीष यादव, नंदू पासवान का नाम ले रहा हूँ मैं, रामाशीष यादव का नाम ले रहा हूँ। भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो के नाम पे आप पूरा जाति हिंसा का नारा देते थे। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को साफ करो, आपके समय पे क्या शासन था? तेजस्वी यादव घूमते रह जाएंगे। मैं लड़ना नहीं चाहता हूं आपसे, आप अपने समय पे नहीं बोल रहा था मैं। एबीसीडी ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो के नाम पे आप पार्टी करती है, भूरा बाल साफ करो, ठीक है। गुरु प्रकाश जी आपकी बात हो गई, अजय वर्मा जी आपके पास आते हुए, जनक राम बिहार सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार के महागठबंधन के नेता लालू, राबड़ी और तेजस्वी तेज प्रताप के इशारे पर नवादा में दलितों के घर को जलाया गया है, ये आरोप लगा रहे हैं। इस पर जवाब अजय वर्मा जी, वो कह रहे हैं कि राजनीति करने का मौका मिल गया है, लोगों को भड़काने का काम, आग लगाने का काम इन लोगों की ओर से किया जाता है। चित्रा जी धन्यवाद, आपने मौका दिया, देर से ही दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक शेर जो है आपको उसकी शुरुआत कर रहा हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये बाज नहीं आते बस्तियां जलाने में। देखिए किस, ये मानवता जली है, ये महादलित की बस्ती नहीं जली, ये डबल इंजन की सरकार में मानवता को जलाया गया है और मानवता शर्मसार हुई है। किस तरह से हालात देख रहे हैं, मेरे पास भी कुछ फोटो आए, वैसे तो आपका टीवी फोटो दिखा रहा है, और धन्यवाद आपको कि आपने इस विषय पर तुरंत डिबेट करी, आप पहला चैनल है कि इस विषय पर डिबेट कर रही है और मानवता को शर्मसार होने से बचाया। ये तो आप देख ही रही हैं कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से क्या हाल चल रहे हैं, दबंगों को क्या कह रहे, दलितों को किस तरह से खत्म करा जा रहा है, और दूसरा आपने देख लिया कि डबल इंजन की सरकार के विधायक, एमपी और नेता और मंत्री, हमारे नेता राहुल गांधी को किस तरह से धमका रहे, कोई कह रहे दादी जैसा असर होगा, कोई कहे आतंकवादी है, लेकिन देश की सरकार के मुखिया चुप है, ना कोई आवाज है, ना उनके खिलाफ मुकदमा है, और हमें अपनी स्टेटों में ही मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा। जब ऐसे बड़े नेता इन बड़े लोगों को संरक्षण देंगे तो दलितों की बस्तियां तो जलेंगी जलेंगी, फिर दबंगों का और छोटे नेताओं का माहौल उन्मत्त हो जाता है, बढ़ जाता है, उनको मोटिवेशन मिल जाता है बड़े नेताओं के, उससे तो
मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस चैनल पर, ये बिहार की दलित बस्ती नहीं जली, ये भारत की सोशल फैब्रिक जला है, ये भारत की मानवता जली है। और बैठकर यहां अभी भाषण दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता और ज्ञान बांट रहे थे 40, अरे भाई आज की बात करो 2024 में जो जली है, आप कहेंगे कि साहब 40 हत्या वहां हुई थी, मेरे यहां 30 हत्या हुई है। हत्या तो हत्या है, एक हत्या भी होती है। आपने गारंटी ली थी कि 2014 के बाद महामानव आएंगे और देश को बचाएंगे और अपराध मुक्त हो जाएगा, लोग ताला खोल के सोएंगे, आग नहीं लगेगी, लोगों को नौकरी मिलेंगी। लेकिन गुरुप्रकाश पासवान जी ऐसा हो नहीं पाया। चारों तरफ आप देख लीजिए, अगर ये एनसीआरबी के आंकड़े, हालांकि 2022 के बाद उसने जारी नहीं करे। चित्रा जी मैं फाइनल कर रहा हूं, आपने देर से समय दिया, मैं फाइनल ये करना चाहता हूं कि मैं चाहूंगा कि इन दलित भाइयों की बस्ती जो जली है, इन हत्यारों के खिलाफ जिन्होंने मानवता को जलाया है, इनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जानी चाहिए और सरकार को तुरंत खाली आईजी को भेजने से, दलितों के नाम पे इतनी पॉलिटिक्स की जा रही है, आईजी को भेजने से या नेताओं के जाने से। अजय वर्मा जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं नेता पहुंचने से हल नहीं हो, पीड़ितों का कैसे भला हो, पीड़ितों को कैसे मदद मिले, जिनके घर जले सरकार उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार करके देगी, जो गरीब जिन ठीक है उनके पास जाकर उनका दुख दर्द बांटने से भला होता है। टीवी पे दिखाएंगे नहीं तो आप टीवी पे दिखाएंगे तो हम बताएं भी ना क्या आपको? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, आप आए भी नेता बन के, मैंने सोचा कि आपको जानकारी होगी इसलिए मैंने सवाल पूछा, और इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। गुरुप्रकाश पासवान जी आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर, फिर मैं आ रही हूँ अरविंद वाजपेयी जी आपके पास, वो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, एक के बाद एक आपने सुन भी लिया। चित्रा जी ये कह, चित्रा जी आप ये कह रहे थे कि ये राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चित्रा जी वो वीडियो तो याद होगा ना, हवाई अड्डे पे एयर टारमैक पे क्या कह रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तो संविधान की हत्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता अजय जी, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक संस्थान होता है। राहुल गांधी जी संविधान दिखाते चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन उसी संविधान के आदर्शों को, उसी संविधान के मूल्यों की हत्या करते तो आपको शर्म नहीं आती है, पहली बात। दूसरा, चित्रा अभी हरियाणा में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता, शीर्षस्थ नेता कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस पार्टी से आती है, क्या क्या बयान नहीं दिया जा रहा उनके खिलाफ में? आपने उनको टिकट क्यों नहीं दिया है? आपने उनको लोगों को चुनाव क्यों नहीं दिया है? पूरा देश आप लोग घुमा कर लेकर आ रहे हैं, बिहार में चर्चा हो रही है, कोई भी पार्टी तो राहुल गांधी को लेकर आए कि बीजेपी हमला कर रही है, आप हमको हरियाणा लेकर जा रहे हैं, बिहार पे डिबेट हो रही है, 21 घरों को जला दिया गया है, सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं बिहार पर रहते हैं। अरविंद वाजपेयी जी मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, आप बिहार की पार्टी है और यहाँ पर एक पासवान पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर एक बात मैं जल्दी से क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार जब भी हम डिबेट करते हैं तो उसमें आरोप लगते हैं कि ये अग्रणी जाति के लोग, ये दलितों के ऊपर इनकी ओर से हमला किया गया, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन यहां का मामला बिल्कुल अलग है। दलित समुदाय के बीच ही दो अलग अलग वर्ग हैं, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर यह हमला किया गया है, और जो बातें निकलकर सामने आ रही है दबंगों का साथ लेकर, जिसमें कुछ यादव समुदाय के बताए जा रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी आप लोग तो पासवानों की पॉलिटिक्स करते हैं, अब जरा यह बताइए सरकार का इकबाल होना चाहिए ना, घटना हो जाए अब सांप मर जाने के बाद आप भाग जाने के बाद लाठी पीटते रहिए, उनका घर तो जल गया ना। और मैं बाढ़ कवर करने हमेशा जाती हूं, लोगों के घर डूब जाते हैं, पूरा सामान डूब जाता है, 6,000 रुपए महीने मिलते हैं, और इन लोगों के लिए तो अभी तक मुआवजे का ऐलान तक नहीं किया गया है, 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। चित्रा जी जो अब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से ये दो ग्रुप है, लैंड मूव माफिया जिन्हें कहते हैं, ये उनके आपस का द्वंद्व था, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग घुस गए, जो अभी तक 15 लोग गिरफ्तार हुए ना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था लेकिन फैक्ट है ये, 15 लोगों की लिस्ट जरा अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक समाज के लोग ज्यादा है, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लालू के राज में क्या होता था हम उसकी भी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, राजनीति को परे रखना पड़ेगा, ये नहीं कि हर मौके पर राजनीति कर दोगे, हर मौके पर, लेकिन राजनीति तो होती है, यही इस देश का और बिहार जैसे बड़े राज्य का भी दुर्भाग्य है। जातिगत जनगणना वहां पर हो चुकी, जाति के नाम पर पॉलिटिक्स हो चुकी, पिछड़ों के नाम पर आगे बढ़ते हैं, दलितों को लुभाने के तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन दलित बस्ती की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेचारगी से भरी हुई है, उनके घर जलाए गए हैं, 15 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स यहाँ पर भी शुरू हो गई है। न जाने इस जाति की राजनीति से हमारे नेता कब बाज आएंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी, हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।